अहम इंफॉर्मेशन आप सबसे शेयर कर रहा हूं, जरा वो देखिए, कम उम्र में विवाह के नुकसान क्या है। कम उम्र में विवाह के नुकसान है शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव। उस समय दुनिया समझना शुरू ही करता है इंसान जब उसका विवाह कर दिया जाता है, तो एक्चुअली क्या विवाह नामक संस्था के लिए वो तैयार भी होता है। सही शिक्षा, रोजगार और जीवन में आगे बढ़ने में जाहिर है रुकावट आती है, क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, आपका फोकस गृहस्थी हो जाता है। बच्चे के जन्म के समय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणाम, बच्चे को जन्म देना, अपने आप से एक अलग जीव का निर्माण करना, उसके लिए वो एक अपने आप में एक वर्ल्ड तैयार करने जैसा है, और उसके लिए बहुत अलग तैयारियां चाहिए होती हैं। कुपोषण, खून की कमी जैसी बीमारियां पनपती हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब ऐसे में ये दलील दिया जाना कि आप खाने पीने में गिजा पर खर्च कीजिए, वो जो तंबाकू और सिगरेट पर खर्च हो रहा है, अल्कोहल पर खर्च हो रहा है, अगर वहां से आप गिजा के लिए, खाने के लिए, सही डाइट के लिए आप खर्च करने लगेंगे, तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो फलेंगी फूलेंगी। क्या ये तर्क सही है? उम्र बढ़ाने पर बवाल, तर्क क्या दिए जा रहे हैं जरा देखिए। गैर कानूनी रूप से शादियां बढ़ जाएंगी, यही बात कही जा रही है कि आप कौन सा रोक लेते हैं, गैर कानूनी रूप से ये शादियां और बढ़ जाएंगी। न्यूनतम उम्र 18 साल होने पर भी बाल विवाह, न्यूनतम उम्र 18 साल तय है, लेकिन क्या बाल विवाह रुक गए हैं? यही बात घनश्याम जी ने कही अभी। हाशिए के समुदाय पर बुरा प्रभाव डालेगा कानून, हाशिए का समुदाय खास तौर से माइनॉरिटी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उस पर बुरा प्रभाव डालेगा। SC ST समुदाय कानून तोड़ने को बाध्य होगा, क्योंकि वहां की जो सामाजिक संरचना है वो अलग किस्म की होती है, वो कानून तोड़ने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि वो मान नहीं सकते इसको, उनका समाज नहीं जीने देगा। 18 साल में वोट दे सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? अगर आप समझते हैं कि इतनी सोच समझ डेवलप हो जाती है कि देश चलाने वालों को वो तय कर सकते हैं कि कौन होना चाहिए कौन नहीं, तो घर चलाने लायक उनके पास अकल तो आ ही जाती होगी। भारत में बाल विवाह के बारे में जो स्थितियां हैं वो भी जरा देख लीजिए। 2015-16 में 27% पाया गया कि बाल विवाह हो रहे हैं, और 2019-20 में पाया गया कि 26% केसेस ओवरऑल रजिस्टर्ड मैरिजेस जो उनके पास मामले आए उसमें 26% है, और 2020-21 में ये 23%। मतलब क्रमशः अगर आप देखें भारत में बाल विवाह के संदर्भ में ये आंकड़ा घटता हुआ दिखाई दिया है। मतलब ये कि लोग इस बारे में समझदार हुए हैं, अवेयर हुए हैं, और पहले के मुकाबले इस तरह का। लेकिन उम्र की रेखाएं कब कब बदली हैं ये जरा देखना जरूरी है। उम्र की रेखाएं 12 साल 1927 तक था, उसके बाद जो शारदा एक्ट मैं आपको बता रहा हूं 14 साल तय किया गया, 1929 से लागू हुआ। 18 साल 1955 में रिकमेंडेशन गया मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन 1978 से लागू हुआ, और 21 साल 2021 में अब यह प्रस्ताव आया है। ये उम्र की रेखाएं बदलते वक्त के साथ समाज की जो बदलती आवश्यकताएं हैं, व्यक्तिगत रूप से लोगों की जो बदलती आवश्यकताएं और जो उनकी प्रायोरिटीज हैं, इसलिए भी यह तय किया गया। लेकिन क्या कुछ एक चीजें बदलाव के साथ बदली नहीं जा सकती? अगर आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो क्या जो आपका मौलिक ताना बाना है आप उससे छेड़छाड़ कर देंगे और उसके बुरे असर होंगे क्या? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आभा सिंह जी के पास मैं जाना चाहता हूं। क्या आभा सिंह जी हैं? आभा सिंह जी हमारे साथ अभी नहीं है बताया जा रहा है, अगर हम उनको ला सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस बात को मैं समझना चाहूंगा, NCW के लिए काम कर चुकी शमीना शफीक जी से। शमीना जी, ये बात मैं समझना चाहता हूं कि क्या ये नियम कानून बना देने से मानसिकताओं में तब्दीली नहीं लाई जा सकती? क्या वो लोग जो समझते हैं कि उनका समाज उनको धिक्कारेगा अगर वो उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वो कानून को ताक पर रखकर वो करेंगे जो उनको लगता है कि आसपास के हिसाब से सही है, और इसलिए कानून टूटेगा ज्यादा? देखिए, मैं ये डिबेट ही गलत दिशा में है, आई एम सॉरी, बट मैं आपसे एक बात राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य होने के नाते ही कहना चाहती हूँ। ये मानते हैं आप कि फिलहाल 18 साल से कम उम्र की शादी जो है वो कानूनन जुर्म है, मानते हैं ना इस बात को? मुझे देश में कोई दो ऐसे केसेस दिखाइए जहां पर माँ बाप को लड़की के सजा हुई हो क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी। दो केसेस भी नहीं मिलेंगे आपको, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि जब 18 साल से कम उम्र की बच्ची की जब शादी हो रही हो तो उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपने एक नया मुद्दा छेड़ दिया जहां आप कह रहे हैं कि हम 21 साल कर देंगे। कानून बनाना इस देश में जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। अब इसके तर्क क्या दिए जा रहे हैं कि हम 21 साल क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं, शादियां जल्दी कर लेती हैं। माफ कीजिएगा, लड़कियां कॉलेज से या स्कूल से ड्रॉप आउट जल्दी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शादी होनी है, वो ड्रॉप आउट हो जाती है इसलिए उनकी जल्दी शादी होती है। और ड्रॉप आउट क्यों हो जाती है? गांव खेड़े में देखिए 8वीं के बाद स्कूल नहीं है, शहरों में अगर स्कूल है तो वहां पर सीट्स कम है लड़कियों की, जाहिर सी बात है संख्या बढ़ती चली जा रही है, वो नहीं है। लोन की प्रॉपर स्टूडेंट लोन की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो जो बाकी मुद्दे हैं उनको सबको दबाने के लिए अगर एक नई बहस नहीं, लेकिन क्या 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 प्लीज कंप्लीट मैम, आई एम जस्ट यू नो दिस इज एन एडवाइजर विच आई एम गिविंग यू
कि क्या आपको ये लगता है कि अगर मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं जी। और ट्रैफिक रूल्स को कोई वायलेट करता है और उसका चालान नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि फिर किस काम के कानून? नहीं, ट्रैफिक रूल्स अभी बने हुए, अगर आप इसे महिला की शादी के संदर्भ में कह रहे हैं तो एक ऑलरेडी नियम बना हुआ है। वो नियम अगर आपको लगता है कि लड़कियों को पढ़ने की ज्यादा लड़कियों को पढ़ने की आजादी ज्यादा होनी चाहिए, उनको अपनी उम्र तक चाहे वो 21 क्या वो तो 30 तक पढ़ना चाहे। हर चीज में ये डायनामिज्म देख रही है ना मैम, जहाँ 100 रुपए का चालान था 1000 रुपए का चालान हुआ है, 10,000 का हुआ है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। महिलाओं की जिंदगी किसी चालान से मत कंपेयर करें। नहीं मैं तो एक दो मैं कानून की बात कर रहा हूँ कि क्या कानून। मैम आप गलत ले जा रही है, मैं डेटरेंस, मैं एक साइकोलॉजिकल डेटरेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपने आंकड़ा देखा 23% आ गया 26% से। आपसे जो कह रही हूँ मुझे इस तर्क पे मुझे जवाब, बाल विवाह की दर घटी है, आपने ये बात नोटिस की? ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 27, 26, 23, इस बात को नोटिस कर रही हैं? तो इसका मतलब है समाज सजग हो रहा है, इसका समाज सजग हो रहा है क्योंकि आपने कानून में बदलाव किया है। जी नहीं, इसके साथ साथ आप क्योंकि लड़कियों को फैसिलिटी ज्यादा दे रहे हैं, आप माँ बाप को ये कन्विंस करने में, चलिए तो कानून की आवश्यकता नहीं है, समाज खुद अपने इवॉल्व होने का तरीका ढूंढ लेता है। शाइस्ता अंबर, ठीक है शमीना जी, ढूंढना चाहिए और इम्प्लीमेंट, हाँ ठीक है, इसी को लेकर आगे जा रहा हूँ। शाइस्ता अंबर, कानून की आवश्यकता नहीं, मैं शबीना शफीक जी की बातों से पूरी तरह एग्री करती हूँ कि अभी भी गांव खेड़ा में बच्चों लड़कियों की स्कूल के अच्छे स्कूल नहीं है, और अगर है तो बहुत दूर है, जिससे माँ बाप खतरा होता है उनको कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो लड़कियों के साथ अपनी घटनाएं होती हैं, इसलिए बच्चे बहुत दूर उनके माँ बाप गाँव से जिले की तरफ भेजने में डरते हैं, और हॉस्टल में तो बिल्कुल डरते हैं, महिला आश्रम में तो बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि इस जगह पे अपनी घटनाएं बहुत होती हैं। अगर गांव खेड़ा में सरकारी कॉलेज और स्कूल अच्छे बनाए लड़कियों के लिए तो मैं कह रहा हूँ इसको लेके कानून की जरूरत है या समाज खुद तय कर लेगा कि उसके लिए बेहतर क्या है? जी बिल्कुल, समाज ही जागरूकता बहुत जरूरी है, और सरकारी बनाए भी, अभी भी हम गांव में बहुत सारे ऐसे गांव में गए हैं। चलिए तो आपने ये कहा कि आवश्यकता कानून की भी है और अवेयरनेस की भी है, दोनों की जरूरत है ताकि कानून को अबाइड करने वाले सिटीजन हों। मैं ताहिरा जी की राय लेकर घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूँ। ताहिरा जी, माँ बाप शादी करने में मजबूर है, सेल्फ इवॉल्व करेगा समाज या कानून के होने पर इवॉल्व करेगा? नहीं देखिए, दोनों की जरूरत है, कानून भी हो, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाए, सरकारें जो भी सत्ता में जो पार्ट है उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी अवेयरनेस भी चलाए। और गांव में जो बात कहा शमीमा जी ने सही है, वहां पे बच्चियों के स्कूल है अगर तो दूर है, मेरा कहना कस्तूरबा गांधी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, उसका जवाब मेरे को चाहिए ताहिरा जी आपसे, कि ड्रॉप आउट है इसलिए शादी कर दी जाती है या शादी की उम्र हो जाती है उनके समाज के मुताबिक इसलिए उनको ड्रॉप आउट किया जाता है? देखिए समाज में वहां पे इतनी एजुकेशन नहीं है, सोच नहीं है, एक पुराना स्ट्रक्चर है, पेट्रियार्की डीप रूटेड है, इसको समझना होगा, तो वहां पर ड्रॉप आउट ही नहीं, उनको वो मुहैया ही नहीं कराया जाता। हमारी मतलब इट्स अदर वे राउंड, फैसिलिटी का ताहिरा जी ये कह रही हैं कि वहाँ के समाज की मानसिकता ऐसी है कि शादी प्रायोरिटी हो जाती है और उनके लिए वो कॉलेज और जो एजुकेशन है उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। चलिए घनश्याम तिवारी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, घनश्याम जी जल्दी से, सर समय 1.5 मिनट का। मुझे लगता है कि शमीना जी और ताहिरा जी और इन लोगों ने जो भी कार्यक्रम अभी तक चलाए हैं समाज में, उसका नतीजा है कि जो राइट्स बेस्ड अप्रोच है महिलाओं का वो मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि आप सिर्फ कानून ला करके चीज़ों को बदल नहीं सकते, अगर आपने लगातार जो चीज़ कारगर हो रही है, शिक्षा कारगर हो रही है, आप उसे मजबूत कीजिए तो अपने आप ये उम्र का फासला बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से जो रोज़गार है या बाकी सुविधाएं हैं, सुरक्षा की का माहौल है, ये सब कारगर अप्रोच हैं। आप कोअर्सिव मेजर्स मत लाइए, मुझे लगता है कि आवश्यक है कि आपको लगातार, आप ये नहीं कर सकते कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 440 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में खर्च कर दिए, जहां पर आपके पास अवसर था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।